Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the diagnosis of cancer. हमारा cancer topic चल रहा है ना, हमने अपनी last class में carcinogenesis यानी mechanism of cancer complete किया था. अब आज की class के अंदर हम cancer का diagnosis पढ़ेंगे. तो देखिए, पहले diagnosis से पहले अपन tumor का जो cancer है या tumor है उसका effect देख लेते हैं. तो कैंसर या ट्यूमर के लोकल इफ़ेक्ट भी होते हैं और सिस्टमिक इफ़ेक्ट भी होते हैं. लोकल में जैसे ये उस जगह के टिश्यू को डिस्ट्रक्ट कर देता है, लोकल टिश्यू को, जिसकी वजह से उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, वहाँ अल्सर बन जाता है, हैमरेज हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कंडीशंस देखने को मिलती है. इसके अलावा हार्मोन प्रोडक्शन देखने को मिलता है कि वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का, वो हार्मोन सीक्रेट करता है यानी हाइपर फंक्शन कॉज कर देगा. ऐसे तो हमने ऊपर बोला लॉस ऑफ फंक्शन होता है ट्यूमर की वजह से, पर हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है अगर एंडोक्राइन ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए तो. उससे वो उस ग्लैंड के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन नहीं देखा जाएगा, बल्कि वो ग्लैंड कैसी हो जाएगी, हाइपर फंक्शनेटिव बन जाएगी, ज़्यादा फंक्शन करने लग जाएगी. इसके अलावा कैंसर की वजह से कैंसर कैचेक्सिया हो जाता है. कैचेक्सिया में क्या हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाएगा, मसल की वास्टिंग हो जाएगी. तो वास्टिंग और वीकनेस आने लग जाती है, कमजोरी आ जाएगी क्योंकि भूख नहीं लग रही होती है. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एल्फा जो कि कैचेक्टिन होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और ये फैक्टर जो है वो ट्यूमर सेल की वजह से, इस फैक्टर के अलावा दूसरे भी कई फैक्टर्स जो हैं वो आने लग जाते हैं. रिएक्टिव मैक्रोफाजेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँच जाती हैं. तो ये सब चीज़ें जो है ये ना केवल ट्यूमर का इफ़ेक्ट है, इवन आप इससे कैंसर को डायग्नोस भी कर पा रहे हो भाई, क्योंकि ये सिम्टम जब आप देखेंगे सुनेंगे तब आप उसको बोलेंगे कि डायग्नोस करवाइए. तो ये ना केवल इफ़ेक्ट है बल्कि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर भी है. इसके अलावा पर्सन में आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम दिखाई देगा. सिम्टम्स जो होते हैं वो एक्टिव सबस्टांस या हॉर्मोन्स बढ़ने की वजह से वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं. नियोप्लाज्म का जिस टिश्यू में ओरिजिन हो रहा होता है उससे जुड़े हुए हॉर्मोन्स, या उससे चाहे जुड़े हुए नहीं भी उसके आसपास की चीज़ों के हो, या उससे इफ़ेक्ट पड़ने वाले हॉर्मोन्स वगैरह या सबस्टांसिस वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं, ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहलाता है. जैसे एंडोक्राइनोपैथी हो जाती है, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स हो जाता है, हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, ये ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी ओए है जो मैंने आप लोगों को बोन के अंदर पढ़ाया था, थ्रोम्बोटिक डायथेसिस वगैरह जैसी कई बीमारियां देखने को मिलेगी. तो ये सारे ग्रुप ऑफ डिजीज को अपन सिंड्रोम्स कह देते हैं. एंडोक्राइनोपैथी के अंदर क्या हो जाता है भाई, एक्टोपिक हार्मोन का प्रोडक्शन नॉन एंडोक्राइन नियोप्लाज्म से होने लग जाता है. मतलब चाहे एंडोक्राइन का कैंसर ना हो, किसी और जगह का हो, पर फिर भी हार्मोन का प्रोडक्शन होने लग जाएगा. इसको एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन कहते हैं, यानी ट्यूमर के द्वारा हार्मोन का सिक्रीशन इन अप्रोप्रिएट होने लग जाता है. ये एंडोक्राइनोपैथी है, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, ये स्मॉल सेल जो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के स्मॉल सेल की वजह से ACTH का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये इसका एग्जांपल है. इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा जो कि पैराथायरॉइड हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से हो जाता है. पैराथायरॉइड हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, ब्रोंकोजेनिक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की वजह से होने लग जाता है, या टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा के अंदर देखने को मिलता है. एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स जो है वो स्किन के अंदर पिगमेंटेड लेजन बन जाते हैं, इसको एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं, गहरे रंग के घाव बन जाते हैं. फिंगर्स की क्लपिंग हो जाती है हाइपरट्रॉफिक ओए की वजह से, जो अंगुलियां हैं वो क्लब शेप की बन जाएगी. लंग कैंसर से भी जुड़ी हुई है ये कंडीशन. नियोप्लाज्म के रीसेक्शन के बाद जो है ये जनरली रिग्रेस हो जाती है कंडीशन, अदरवाइज क्लबिंग, क्लब जैसी बन जाती है, फूल जाती हैं अंगुलियाँ, जैसे ओए में टेढ़े मेढ़े से नोट्स बन जाते हैं ना, उसको अपन क्लबिंग कहते हैं. हीमेटोलॉजिकल चेंजेस के अंदर थ्रोम्बो प्लास्टिक सबस्टांसेस ट्यूमर सेल से जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं. अब इसके अलावा और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो ग्रेडिंग के द्वारा. एक्चुअली कैंसर को अपन ग्रेड देते हैं, फर्स्ट ग्रेड देते हैं, इसका मतलब एकदम वेल डिफ्रेंशिएटेड कैंसर है, सेकेंड का मतलब है मॉडरेटली, थर्ड का मतलब पूरी डिफ्रेंशिएट, आप उसको पहचान नहीं पाते, और फोर्थ तो एनाप्लास्टिक कंडीशन है, मतलब
इमेच्योर ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स आपको दिखाई दे रहा होता है, या प्रिमिटिव स्टेज की सेल्स का जो है ग्रुप दिख रहा है, मास दिखाई दे रहा होता है, तो इसके बेसिस पर अपन कैंसर को स्टेज देते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ग्रेड फोर देखो, एकदम छोटी छोटी सी सेल्स है, इमेच्योर सेल्स है, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। अब ग्रेडिंग के बाद स्टेजिंग ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टेजिंग दी जाती है। TIS जो है वो इन सिटू या नॉन इन्वेजिव कैंसर हो रहा होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर जगह पर स्पेशली एपिथीलियम में रह रहा है, तो उसको TIS कहा जाता है। T1 का मतलब है छोटी मिनिमल इन्वेजिव कैंसर हुआ है, प्राइमरी ऑर्गन साइट पर ही हुआ है, आसपास थोड़ा बहुत फैला है, तो T1 थोड़ा ज़्यादा फैल गया है। T2 और बहुत ज़्यादा फैल गया है, प्राइमरी के जो ऑर्गन साइट है उसके मार्जिन से पार चला गया है, तो T3 कहलाएगा। और बहुत ज़्यादा है इन्वेजन उसका, आसपास के सभी ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड कर गया, तो T4। लिम्फ नोड को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो N0। इन्वॉल्व कर रहा है तो N1। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है N2। दूर दूर तक के लिम्फ नोड में फैल गया तो N3। तो टी हो गया, एन हो गया, तीसरा एम की स्टेजेस है। अगर मेटास्टासिस देखने को नहीं मिल रहा है, मेटास्टासिस क्या होता है, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर स्प्रेड कर जाना, मेटास्टासिस कहलाता है, तो स्प्रेड नहीं कर रहा तो M0, कर रहा है तो M1, डिस्टेंट प्लेसेस पर। तो ये TNM स्टेजिंग कहलाती है। TNM है ना, TN और M दिखाई दे रहा है ना आपको, तो TNM स्टेजिंग सिस्टम जो है ट्यूमर का, उसमें T ट्यूमर साइज के लिए, N लिम्फ नोड में मेटास्टासिस हो रहा है क्या, और M दूर दूर तक मेटास्टासिस हो रहा है, उसके लिए अपन ये टर्म यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ट्यूमर की साइज़ देखिए आप, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है देखिए, मेटास्टासिस देखिए कैसे स्प्रेड कर रहा है, प्राइमरी ट्यूमर लिम्फ नोड में गया, डिस्टेंट में मेटास्टासिस कर गया, तो कैसे अपन स्टेज उसको दे रहे हैं। अब ग्रेडिंग जो ट्यूमर की है वो डिफरेंशिएशन की डिग्री के बेसिस पर अपन देते हैं, कि उसको अपन कितना डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, कितना नहीं, अभी बताया था ना ग्रेडिंग मैंने इससे पहले आपको। इसके अलावा माइटोटिक फिगर, जो ट्यूमर में माइटोटिक फिगर है उसके नंबर के बेसिस पर भी अपन उसको ग्रेडिंग देते हैं, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पर, ट्यूमर में माइटोटिक फिगर के नंबर के बेसिस पर अपन ग्रेडिंग देते हैं। ट्यूमर को क्लासिफाई किया जाता है ग्रेड फर्स्ट से ग्रेड फोर्थ तक, उसकी एनाप्लेसिया की कंडीशन इंक्रीज हो रही है उसके बेसिस पर, ग्रेड वन से लेकर ग्रेड फोर तक असेंडिंग ऑर्डर है ये। हाई ग्रेड ट्यूमर जो है जनरली ज़्यादा एग्रेसिव होता है लो ग्रेड के कंपैरिजन में, ऑब्वियस है भाई, हाई ग्रेड का ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ग्रेडिंग जो है वो ट्यूमर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ट्यूमर के प्रोग्रेशन, ट्यूमर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग, सेम ट्यूमर अलग अलग पार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग तरह की डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन वो शो कर सकता है। स्टेजिंग क्या है, प्राइमरी ट्यूमर के साइज के बेसिस पर, लोकल वो कितना एक्सटेंड कर रहा है, दूर दूर तक कितना फैल रहा है। स्टेजिंग जो है वो ज़्यादा क्लिनिकल वैल्यू बता रही होती है ग्रेडिंग के कंपैरिजन में, हमें ज़्यादा क्लियर पता चलता है स्टेजिंग के बेसिस पर। दो मेथड्स है स्टेज देने के, एक तो TNM और एक AJC। TNM तो हमने पढ़ा अभी, ट्यूमर नोड और मेटास्टासिस के बेसिस पर। AJC अमेरिकन जॉइंट कमिटी सिस्टम ने बनाया था, और ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो हायर स्टेजेस के कैंसर के लिए अपन काम में ले रहे होते हैं, जो कि लार्ज ट्यूमर्स होते हैं, लोकल इन्वेजन करते हैं, या मेटास्टासिस शो कर रहे होते हैं, उनके लिए अपन ये काम में लेते हैं स्टेजिंग, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है T1 से लेकर के पूरी के कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपन स्टेजेस दी हैं। तो बस इसके साथ में डायग्नोसिस, इसी के बेसिस पर डायग्नोस करते हैं अपन, स्टेजेस वगैरह देते हैं, तो आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पर ये चीज़ें लिखी हुई है, तो आप देख करके बता सकते हो कि अच्छा ये ट्यूमर की इसके अंदर कंडीशन ऐसी चल रही है। तो ये आपके ट्यूमर का डायग्नोसिस ईजी था, डिफ़िकल्ट था नहीं। तो यहाँ पर ये टॉपिक अपन आज कंप्लीट करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।